जय हिंद साथियों, आज सीकर के रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शहीद शिशुपाल सिंह का पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। वहीं बीएसएफ के 65 बटालियन के सैनिक भी साथ में मौजूद थे, जिन्होंने शहीद शिशुपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सैन्य सम्मान दिया है। आज इनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ सेना के विशेष वाहन से इनके पैतृक गांव पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि हजारों युवाओं ने तिरंगा रैली निकाल शहीद के पार्थिव को उनके निवास स्थान लाया गया। जब शहीद का पार्थिव निवास स्थान लाया गया तो माहौल बिल्कुल गमगीन था। शहीद परिजनों में कोहराम मचा हुआ था और भारत माता के जयकारों से आसमान गुंजा रहा था। राजस्थान के ये ऐसे वीर सपूत जिन्होंने विदेश में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए समूचे भारत का नाम रोशन करते हुए उन्होंने बलिदान दिया है, उनके इस अदम्य साहस को हम नमन करते हैं। आज आपको बता दें कि इनके अंतिम विदाई में पूरा जिला प्रशासन मौजूद रहा, साथ ही राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शहीद के पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों हजार लोग शहीद के पार्थिव पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मातृभूमि के ऐसे लाल के श्री चरणों में अपोरा समाचार परिवार की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके इस अदम्य साहस को हम नमन करते हैं। आज इनका पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया है और पूरे राज्य के सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई है। वहीं शहीद परिजनों को तिरंगा सौंपा गया है और शहीद को अंतिम सलामी देते हुए उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। आपको बता दें कि यूएन कांगो में सीकर के लाल शहीद शिशुपाल सिंह ने वहां बलिदान दिया था और आज इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान लाया गया। जय हिंद, जय भारत।